गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आपका स्वागत है। लेके हम आए हैं पॉलीनोमियल्स क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स चैप्टर टू और पार्ट इसका टू एपिसोड नंबर एट, एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस। अब यहां पर देखो तुमको क्या क्या पढ़ना है ये जानना जरूरी है। सबसे पहले पॉलीनोमियल्स होता क्या है, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा एस जीरो। दिख रहा है बढ़िया से? एस जीरो का वैल्यू वन होता है। एस वन मतलब एक का करके, एस टू का मतलब दो दो करके, एस थ्री का मतलब तीन तीन करके और एस फोर का मतलब चार चार करके। ये समीशन है। अब इसकी शाब्दिक अर्थ में हम देखने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर देखोगे कि मान लिया जाए कि तुमको जीरो तुम्हारे पास, यहां पर अगर जीरो की हम बात करें तो जीरो के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। तो यहां पर अभी आपने जीरो और प्रोनोमियल्स के बारे में सीखे थे, तो हम लोग दोनों बात को करेंगे कि जीरो और प्रोनोमियल्स के बारे में और यहां पर करने का प्रयास। तो एस जीरो, एस वन, एस टू, ये सब का बारे में जान गया। अब यहां पर तुम्हारे पास पी एक्स कब जीरो होगा, एक्स के किस वैल्यू के लिए जीरो होगा, यह बात तुमको यहां पर करना है और उसको चेक करना है। अगर वह जीरो हो गया तो वह उसका फैक्टर हो जाएगा और जीरो नहीं हुआ तो वह फैक्टर नहीं होगा। तो अभी इसलिए हम इस बात को सिखाए थे कि लिखना भी अभी सीख लो तो क्वेश्चन बनाने का दिक्कत नहीं होगा। अगर अल्फा बीटा दो तुम्हारा जीरो हो रहा है तो एक्स स्क्वायर और यहां पर माइनस अल्फा बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, यह पी एक्स का वैल्यू ले लो। अगर अल्फा बीटा तूने 2,3 ले लिया तो यहां पर 2, यहां पर इसको इक्वेशन हो जाएगा एक्स और 2, 3, 5 और यहां 6, यानी यहां पर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। तो एक बार हम पी टू रखेंगे तो 4 और 5 × 2 = 10, यानी 10 में से 10 किया तो 0। इसी ढंग से हम पी थ्री रखेंगे, 3 × 9 = 15, 6 × 15 में से 15 गया तो 0। यानी कहने का सेंस कि आपको नाइन्थ क्लास में जो पढ़ना है वह चेक करना है कि उसका वह जीरो है कि नहीं। लेकिन हम स्टूडेंट को सलाह देते हैं क्वेश्चन आपका, आंसर भी आपका। यानी अगर 1 और 3 ले ले तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो यहां पर एक्स स्क्वायर और 3x + 4x + 3। अब तुम्हारे पास क्या है ना, एक बार 1 रख के देखो तो यहां 1 का स्क्वायर - 4 × 1 और 3, तो 4 में से 4 गया तो 0। अब तुम्हारे पास 3 रखोगे तो यहां पर 3 का स्क्वायर 4 × 3 और 3, तो 9, 12 = 3, यानी 12 में से 12 गया तो यहां 0।
यानी वन रखने पर भी जीरो आ रहा है, थ्री रखने पर भी जीरो आ रहा है, यानी यहां पर चेक करने का। इसी ढंग से अगर तीन का इक्वेशन बनता, अगर यह बनता वन टू थ्री का, तो यहां पर कैसे लिखते भाई, पी एक्स, पहले एक्स क्यू लिख देते, यहां एस वन एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एस टू लिखते हैं और एस थ्री यहां पर। अब यहां पर पी एक्स लिखते तुम्हारे पास तो ये एक्स क्यू हो जाता, और एक का करके लिखते हैं तो दो एक तीन, यहां पर छह एक्स स्क्वायर, एस टू मतलब एक गुने दो दो हो गया, यहां तीन हो गया, ये छह हो गया और यहां ये छह, यानी यहां पर पी एक्स इज इक्वल टू यहां एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, और तीन दो पांच छह ग्यारह एक्स माइनस सिक्स। यह क्वेश्चन तुम्हारे पास बुक में आ गया। अब तुम्हारे पास क्या करोगे कि एक बार वन रख के देखो, तो वन का क्यू सिक्स इंटू वन इलेवन इंटू यहां वन माइनस सिक्स जीरो हो रहा है। यहां पर टू रख के देखोगे तो दो का क्यू सिक्स इंटू टू इलेवन इंटू टू माइनस सिक्स, ये आठ यहां बारह और ये बाईस माइनस छ, तो यहां पर बारह यहां एक से स्क्वायर होगा, यानी चार हो जाएगा, छह चौको चौबीस, चौबीस छह तीस, बाईस अठाईस तेईस, और तीस में से तीस गया तो जीरो हो गया। इसी ढंग से आप तीन रखेंगे तो यहां पर तुम्हारे पास सत्ताईस और छह गुने नौ और ग्यारह गुने दो और माइनस सिक्स, ये भी आ रहा है। अब तुम्हारे पास अगर हम बात करें रामानुजन साहब का, तो यहां पर तुमको हम चेक करना ये भी सिखाए थे कि यहां पर आपका क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर इलेवन एक्स माइनस सिक्स। अब यहां पर थ्री को अगर चेक करते हो कि है कि नहीं जीरो, तो इसके लिए हम बताए थे तीन वन जा तीन, यहां माइनस थ्री और माइनस नाइन, यहां पर टू और टू थ्री जा सिक्स, जीरो हो गया। यानी ये आपको करने बिल्कुल अच्छे से आ गया है। इसी ढंग से आप यहां पर टू रखेंगे तो यहां पर एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, यहां पर इलेवन एक्स माइनस सिक्स, दो यहां पर आया माइनस फोर आ गया, यहां पर माइनस एट, यहां थ्री आ गया, थ्री टू जा सिक्स, यहां सिक्स हो जाएगा। अगला हमारा एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर इलेवन एक्स माइनस सिक्स, यहां पर ही वन आ गया, वन में वन ये माइनस फाइव, यहां पर माइनस फाइव ये सिक्स और सिक्स ये जीरो हो गया। आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से करने आ गया है। यानी अब आपको चेक करना है कि कौन उसका है और कौन नहीं है। यहां पर दो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जो दोनों प्रश्न आपको अच्छे से आना चाहिए। पहला पूछा जाएगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, यह बात आपकी क्लियर हो गया। अगर x का वह वैल्यू रखने से अगर ये पी एक्स जीरो हो जाता है तो x का वह वैल्यू उसका फैक्टर कहलाता है। अब रिमाइंडर क्या होता है, जो आता है वह रिमाइंडर कहलाता है। यह बात आपका यहां पर क्लियर हो गया। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार इसको हम लोग अभी हम थ्योरी को जनरेट कर देंगे। यहां पर तुम्हारे पास क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो पॉलीनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम। यहां पर तुम्हारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री रखना है तो थ्री माइनस वन बाई थ्री और यहां पर प्लस, ये माइनस वन प्लस वन कट गया, जीरो हो गया, यानी वेरीफाई हो गया। अगला प्रश्न हमारे पास ये है पी एक्स इज इक्वल टू यहां पर फाइव एक्स माइनस पाई है, यानी यहां पर हम लोग रखेंगे तो यहां पर फाइव अब फोर बटे फाइव माइनस फाइव, यानी फोर माइनस फाइव नॉट इक्वल जीरो, यानी जीरो नहीं है। अब यहां पर देखेंगे अगली प्रश्न हमारे पास, तुम्हारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो वन के स्क्वायर माइनस वन जीरो हो गया, अब माइनस वन रखने से भी जीरो हो रहा है, यानी है। अब तुम्हारे पास ये वाला तुम्हारे पास है तो ये एक्स की वैल्यू माइनस वन रखोगे तो जीरो, और टू रखने पर जीरो, ये भी है।
अब तुम्हारे पास पांच नंबर का आ रहा है, एक्स की वैल्यू रखने पर जीरो तो जीरो है। छह नंबर की बात करेंगे एल एक्स प्लस वन, तो यहां पर ये वैल्यू को अभी हम रख देगा तो एल यहां पर माइनस एम बाई एल और यहां पर एम, एल से एल कट जाएगा माइनस एम प्लस एम और यहां ये जीरो हो गया। अगली प्रश्न यानी ए भी है, अगली प्रश्न है हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहां पर तुम्हारे पास एक बार रखना है टू बाई रूट थ्री, तो थ्री और यहां पर टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन तो थ्री हो जाएगा और ये फोर बाई थ्री माइनस वन हो जाएगा। थ्री थ्री कट गया, चार में से एक गया, यहां पर तीन आ गया, यह वैल्यू नहीं है। अब इसकी हम बात करेगा कि माइनस वन बाई रूट थ्री रख के देखेगा तो थ्री और माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन यानी थ्री, यहां पर वन बाई थ्री माइनस वन, थ्री थ्री कट गया, वन में से वन गया तो जीरो। ये आप क्रिएटर सुपर थर्टी चैनल पर आप देख रहे हैं, पी एक्स इजकल टू टू एक्स प्लस वन है तो यहां पर टू और यहां पर वन बाई टू प्लस वन, ये टू से टू कट गया, वन प्लस वन टू हो गया, ये भी नहीं है। यानी कौन है कौन नहीं है ये अच्छे ढंग से आप सीख रहे हैं। एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आप चीज को सिखाया जा रहा है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरो ऑफ द प्रोनोमियल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज, या जीरो कर दो तो यानी इक्वल यहां पर जीरो कर दो तो एक्स बराबर माइनस फाइव हो गया, इतना इजकल टू जीरो कर दो तो x बराबर फाइव हो गया, टू एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो कर दो तो x बराबर माइनस फाइव बाई टू हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस टू इक्वल जीरो कर दो x बराबर टू बाई थ्री हो जाएगा, पी एक्स इजकल टू थ्री एक्स इजकल टू जीरो तो x बराबर जीरो हो जाएगा, पी एक्स इजकल टू एक्स कह रहा है यानी x बराबर जीरो हो गया यानी x बराबर जीरो बटे a, चूंकि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए इसलिए यह इंडिकेट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि पी एक्स यानी सी एक्स प्लस डी इक्वल जीरो तो एक्स बराबर माइनस डी बाई सी, सी नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। अब अगला जो प्रश्न है हमारे पास वह अब प्रश्न नहीं है, यानी अब इस प्रश्न को और बेहतरीन हमको करने के लिए और टाइम देने के लिए यहां पर बातचीत करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बेहतरीन टाइम आप तुम दोगे उतना ही बेहतर होगा। या तुमको करने आ गया कि किसका जीरो निकालना है, तो चूंकि नाइन्थ क्लास के बच्चे हो तो लीनियर ही निकालना है, लेकिन यहां पर समस्या यह बचता है कि अगर इसको क्वाड्रेटिक रहेगा तो क्या तुम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्वाड्रेटिक को लीनियर में कर दो, अब तुम्हारा ही क्वेश्चन रहेगा। क्वाड्रेटिक को कैसे करोगे लीनियर में, इसके लिए तुम यहां पर बात करो। पहले तो इक्वेशन लिखना आराम से सीख जाओ, तुम आंसर क्या लाना चाहते हो टू और थ्री, यहां लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब तुम्हारे पास क्या है कि ये जीरोज निकालना है, अब यहां पर ये छह का तू फैक्टर कर ले, प्लस माइनस वन से कटेगा, प्लस माइनस टू से कटेगा, प्लस माइनस थ्री से कटेगा। यहां पर वन रख के देखो तो वन माइनस फाइव प्लस सिक्स, तो सात में से पांच गया तो दो जीरो नहीं है। यहां टू रख के देखो तो चार और पांच गुने दो यानी चार माइनस दस प्लस छह, दस में से दस गया तो जीरो, यानी दो फैक्टर है। अब इसको लीनियर में कैसे कर दोगे पता है ना, तो यहां पर पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर फाइव एक्स सिक्स है, दो इसका है तो दो यहां डाल दें, सिंथेटिक डिवीजन कर ले, वन इंटू टू टू हो गया, माइनस फाइव और टू जोड़ेंगे माइनस थ्री, यहां माइनस सिक्स जीरो हो गया राइट, यानी ए पी एक्स इजकल टू एक एक्स माइनस टू हो गया और दूसरा
यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यह बात को जानना जरूरी। तो आपका x माइनस थ्री मिलेगा। अब देखो दो हो गया लीनियर, एक क्वेश्चन लिखा जाएगा x माइनस टू, दूसरा लिखा जाएगा x माइनस थ्री। तो x माइनस टू इक्वल जीरो, x बराबर टू, x माइनस थ्री इक्वल जीरो, x बराबर तीन, कोई दिक्कत? इसी ढंग से करके क्यूबिक इक्वेशन भी रहेगा तो तुम आराम से कर सकते हो। तो थोड़ा दो मिनट के लिए सोचो कि और क्या हो सकता है। तो इसको दो मिनट पहले तुम सोच लो, अगर दो मिनट पहले सोच लो कि तुम्हारे पास और क्या क्या हो सकता है, टू मिनट सोचने का मौका। चूंकि आप सोच लेंगे तो आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा, तो दो मिनट आप सोच लें। वेरीफाई करने की भी जरूरत आ सकता है तो आराम से निकालना तुम लोग को आ जाएगा, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो तुम दो मिनट आराम से सोच सकते हो, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं। अगर ये बात अगर आपने सोच लिया तो आपको काम हो जाएगा, और अगर आपने नहीं सोचा तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और वह प्रॉब्लम क्रिएट जो होगा आगे चल के बड़ा तकलीफ देगा। इसलिए इसको अच्छे से सोचो, वेरीफाई करो कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, ये सारे चीज तुमको यहां पर वेरीफाई करना है। तो हम तो कहेंगे कि तुम लोग ऐसा करो कि पांच मिनट तुम लोग इससे खेलना चालू करो। कैसे खेलोगे कि अगर दो के लिए तुम लोग को हम बताए हैं कि पी एक्स एक्स स्क्वायर एस वन एक्स एस टू, तो ये दो वाला पहले खेलना चालू कर दो। वन और फोर रहेगा तो पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर फाइव एक्स प्लस फोर, और यहां चेक करने के लिए दो दो पी वन एंड पी फोर जीरो है कि नहीं। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी ढंग से टू कॉमा थ्री ले लो, और यहां पर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और यहां पर पी टू और यहां पी थ्री सोचो। अब थोड़ा सा क्यूबिक इक्वेशन भी ले लोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा। यहां पर क्यूबिक इक्वेशन कैसे होगा, एक्स क्यू एस वन एक्स स्क्वायर एस टू एक्स एस थ्री, अब वन टू थ्री ले लो, तो यहां पर पी एक्स इजकल टू एक्स क्यू एक का करके करेगा तो एक दो एक तीन, तीन तीन छह, दो दो करके करेगा तो यहां पर टू थ्री और सिक्स, यानी यहां इलेवन एक्स माइनस सिक्स, यहां पर पी एक्स इजकल टू ए आ गया। अब इस पे तू चेक करो P1 का वैल्यू, चेक करो P2 का वैल्यू, चेक करो P3 का वैल्यू, या तुमको चेक करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन ले लो, अगर यहां पर 2 कॉमा 3 कॉमा 4 से ले लिया तो यहां पर Px इज इक्वल टू एक्स क्यू और दो तीन पांच चार नौ एक्स स्क्वायर, और यहां पर छ है आठ है बारह है, यानी यहां पर 26x द्वितीय छ चौ को 24 ए ले लिया। तुम इसको चेक करो P2, चेक करो P3 और चेक करो P4,
या आपको चेक करो। इस ढंग से तुम इसको पहले चेक करो, अब चेक करोगे सब जीरो हो जाएगा। अब इसके अलावे भी तुम वैल्यू रख दो कि जीरो ना आए, आओ देखते हैं। तो अगर यहां पर 1-4 लिया है, तुम P1 निकाला, P4 निकाला, तुम कह दो P3 जीरो नहीं आएगा। इसी ढंग से 2-3 लिया था तो 2-3 के अलावे कुछ रख दो तो यहां पर P1 रख दो या जीरो नहीं आएगा, P5 रख दो जीरो नहीं आ जाएगा, P4 रख दो जीरो नहीं आएगा। इसी ढंग से 1-2-3 है, इसके अलावे कुछ भी रख दो P4 तो जीरो नहीं आएगा, P5 जीरो नहीं आएगा, P6 जीरो नहीं आएगा। इसी ढंग से यहां 2-3-4 है तो यहां पर P3 रख दो, P4 रख दो, ओ तो जीरो होगा। यहां पर P5 रखो, यहां P6 रखो, जीरो नहीं होगा। तो आप ये क्रिएटर यहां पर जो है क्वेश्चन क्रिएट करना, मैं ये तुम लोग को बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे वीडियो देखोगे लेकिन अगर एडवांस स्कूल ऑफ मैथ साइंस का साइंस की वीडियो देखा तो तुम क्वेश्चन का क्रिएटर भी बन जाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करना तो आम बात है, मतलब क्वेश्चन आपको क्रिएट करने आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है यह बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप यहां पर क्वेश्चन को तुम क्लियर आराम से कर सकते हो। यह बात तुमको यहां पर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि क्वेश्चन क्रिएट करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, यानी थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो चर्चा है वह आपकी पूरी चर्चा को आप यहां पर कर सकते हो। अब यहां पर तुमको देखना यह है कि यह सब करने तुमको आ गया तो अब तुम्हारे पास क्या होगा कि आगे चल के तुमको अगर कोई रूट मालूम हो यानी जीरो मालूम हो तो आप इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। यानी आप यहां पर जो है आराम से कर सकते हैं कि यहां पर तुमको क्या करना है, यह बात आपकी क्लियर है। अगर यह बात आपकी क्लियर नहीं है तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। यानी प्रोनोमियल्स का आपने पहले जो चैप्टर में सीखा वह पहचानना सीखा, टाइप्स ऑफ प्रोनोमियल सीखा, अब यहां पर तुमने जो सीखा वह वैल्यू रखने पर देखा गया कि वह प्रोनोमियल्स की वैल्यू क्या होगा। उसके बाद तुमने जीरो के बारे में सीखा, उसमें क्वेश्चन क्रिएट करना सीख गया, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। अब तुम्हारा जो सीखोगे वह फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम सीखोगे, फिर उस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, और तब तक के लिए आप बने रहें।